Hello, welcome back to my channel. This is Mathua Kingdom and which falls in Gopalganj district. आप देख रहे हैं कि ये जो टेम्पल है गोपाल मंदिर है मथुरा और गोपालगंज का ही है और ये यहाँ पे मतलब अंग्रेजों का बनाया हुआ बहुत सारे एंशियंट बिल्डिंग है। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे जो आपको जो आइडल दिख रहा है, जो स्टैचू दिख रहा है, वो रानी विक्टोरिया के हैं। अभी तो रानी विक्टोरिया का तो समाप्ति हो गया है कि अंग्रेजों का तो खात्मा हो गया इंडिया से, मगर उनका अभी भी इफेक्ट इंडिया पर कुछ पड़ा हुआ है। तो जैसे जैसे मैं यहाँ ये भदुआ में जितने भी मतलब बेस्ट फैकल्टी होगा, एंशियंट होगा, जो भी मेमोरियल होगा उसको मैं आप लोगों को व्यू करूँगा। तो मिलूंगा आप लोग के अगले वीडियो में। थैंक यू। कैसा लगा वीडियो आप लोग अपना फीडबैक में दे जाएंगे। चलो बारह चलो वापस चलो। आप देख सकते हैं शाम के वक्त में बहुत सारे यहाँ पे जो व्यक्ति यहाँ पे हरदम आते हैं अपना, देख सकते हैं चाचा भी आए हैं बहुत सारे। और जो मैं अपने दोस्तों के साथ में आया हुआ हूँ यहाँ पे, तो जितने भी आप देख रहे हैं कि हथुआ गोपाल मंदिर है और ये जो पीछे वाला जो आइडल है वो देख रहे हैं, जो मूर्ति है वो रानी विक्टोरिया का मूर्ति है, देख लीजिए। और मैं जितने भी यहाँ पे अच्छे अच्छे जो एंशियंट मेमोरियल होंगे मैं वहाँ पे विजिट करूँगा, देख सकते हैं आप लोग। देख लीजिए पार्किंग एरिया भी यहाँ पे अच्छे खासे है। मंदिर आप देख सकते हैं गोपाल मंदिर है और कुछ लोग इसमें आते भी हैं और अपना कुछ फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं। देख पीछे से वो अभी गेट खुला हुआ आप देख सकते हैं, देखिए। हम लोग गए अभी गेट तो आप लोगों ने देखा कि ये कैसे सेल्फी प्लेस बन गया है। ये यहाँ पे गोपाल मंदिर है, राधा कृष्ण जी का अंदर मूर्ति है, राधा कृष्णन और राधा का आप देख सकते हैं, कृष्ण भगवान का ये गोपाल मंदिर है। तो यहाँ पे अंदर से जाने का ये रास्ता है रानी के लिए, देख सकते हैं जो आपको दिख रहा है नीचे, यहाँ से अंदर से जाने के लिए नहाने के लिए वहाँ पे पोखरा में जो है वो तालाब, उसमें रानी जाती थी नहाने के लिए, देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ से जाने के लिए रास्ता भी है। तो चलिए मैं आपको नीचे दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए ये नीचे जाने के लिए स्टेयर बना हुआ है। बहुत सारा अच्छा है और ये नीचे से जाने के लिए उधर अंदर है, तो मैं इसको अब बैक कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। देख सकते हैं कि मैं ये अंदर में बेसमेंट में और यहाँ से आउट है और इधर से इन है, तो मैं चलिए अब इधर से आउट हो रहा हूँ। देखिए इधर से जो रास्ता है पोखरे की तरफ जाती है, देखिए इधर भी आपको दिख रहे हैं ये सभी पहले का ही बनाया हुआ है, बहुत ही पुराना है। और चलिए मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, गिनर देखिए मैं बाहर निकल चुका हूँ, देख रहे हैं आप लोग ये बाहर निकल। हाँ हाँ देख रहा हूँ। और यहाँ से भी देख सकते हैं अंदर से भी आप इस पानी से होते हुए उस मंदिर में जा सकते हैं राधा कृष्ण का, मतलब यहाँ पे बहुत सारा ही जैसे भूल भुलैया है वैसे ही एक भरा पड़ा है। देखिए ये वाला जो आपको दिख रहा है ये पानी के अंदर, इसके उसमें से घुस कर हम दूसरे तरफ भी जा सकते हैं, ऐसा ही बनाया गया। देख सकते हैं आप इसको, आप इसमें इन करिए और बाहर से उधर निकल सकते हैं, एकदम डायरेक्ट आप मंदिर में निकलेंगे, ऐसा ये सीक्रेट है। तो अभी मैं निकल जा नहीं रहा हूँ, तो अभी मैं कहाँ चल रहा हूँ, ऊपर की तरफ चल रहा हूँ। चलिए मैं चल रहा हूँ, इस बिल्डिंग में बहुत सारा सीक्रेट भी आप देख सकते हैं, बहुत ही पुराना है ये और ये बाहर निकलने का रास्ता है, देख लीजिए यहाँ से बाहर निकलते हैं हम लोग। और इसमें देख लीजिए यहाँ पे, ये देख लीजिए पुराना बिल्डिंग है, देख रहे हैं आप लोगों को बताया था मुझे कि बाहर भी निकलने का रास्ता है। तो देखिए इसमें से आप जाइएगा और गोपाल मंदिर पर निकलिएगा।
लाओ पकड़ते हैं, बोलो बोलो। तो आप लोगों ने देखा ये छत्रधारी जो संस्कृत विश्वविद्यालय है और 1880 में इसको बनाया गया था और मात्र में पूरे बिहार में जैसे गोपालगंज में भी एक ही शायद संस्कृत विश्वविद्यालय है और हमारे जैसे मतलब हम लोग जहाँ कह सकते हैं बिहार में एक ही है जहाँ पे संस्कृत की पढ़ाई होती है। इसको सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और इसको फाउंडेशन फंड करना चाहिए कि थोड़ा और से ये इम्प्रूव करें। कर गए हैं अंदर कितना अच्छा बनाया गया है। Yeah.